आज का टॉपिक जो है वो हमारा है यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो है इसमें हमारे पास इसको थ्री स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर मालूमात दी गई हैं। इसमें से फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू सेव एनर्जी आर इसका जो है ना आर ये क्वेश्चन भी हो सकता है। हाउ कैन वी सेव एनर्जी। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकते हैं। इसके अंदर देर आर फोर स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू सेव एनर्जी। नंबर वन स्टेप जो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज रिटन हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक आर फोम लैगिंग। कि अगर आप इस तरीके से हमारे पास एक टैंक है पानी का छत पे और अगर हम इसको शदीद गर्मी या शदीद सर्दी से बचाना चाहते हैं तो बचाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसके इर्द गिर्द इस वाटर टैंक के इर्द गिर्द ये फोम की एक लेयर इधर बिलगा देते हैं और उसके बाद ये लेयर इसके नीचे भी लगा देते हैं और इस साइड पे भी लेयर लगा दें। ये प्लास्टिक की भी हो सकती है और फोम की भी हो सकती है। तो अगर किसी भी वाटर टैंक को अच्छे तरीके से ये हम फोम और प्लास्टिक लैगिंग लगा देते हैं तो उससे ये है कि कंडक्शन ऑफ हीट जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से अगर अंदर का लेट्स सपोज वाटर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का 50 डिग्री सेल्सियस है तो इस सिचुएशन के अंदर एज वी ऑलरेडी नो दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी तो हीट ट्राइज टू ट्रेवल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द टैंक वेयर वाटर इज प्लेस्ड और एनी अदर थिंग इज प्लेस्ड। बट दिस फोम और प्लास्टिक लैगिंग विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट तो अंदर हीट जाने से काफी हद तक इसको रोक देती है। तो अगर इस तरीके से हम अपने ये कंटेनर्स जो होते हैं ये उनको हम किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर बेलफ्रेज आपका अंदर टेम्परेचर जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस है हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो हॉट कोई चीज़ पड़ी हुई है और बाहर अगर सर्दी का मौसम है और हम चाहते हैं कि ये जो चाय चाय होती है ठीक है जी वो कंटेनर के अंदर रखी हुई या कुछ केमिकल्स के फैक्ट्रीज के अंदर उन्हें रखे होते हैं जो चाहते हैं कि ज़्यादा देर हीट अपने उनकी हीट लॉस ना हो तो इस तरीके से प्लास्टिक लैगिंग हीट प्रिवेंट करती है।
ये जो प्लास्टिक और फोम लैगिंग है, तो हीट अंदर से बाहर भी नहीं जा सकती। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं। सेकंड हमारा ये जो है दूसरा है कि जिसमें सेकंड ऑप्शन में बोला गया कि वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम आर वुड। हमारे घरों के अंदर जो दीवारें घर की बनती हैं वो बिल्कुल इस तरीके की बनती हैं, कंक्रीट की, जिसके अंदर ब्रिक्स लगती हैं। लेकिन इन ब्रिक्स के अंदर से प्रॉब्लम ये होता है कि हीट जो है ना वन साइड से दूसरी साइड की तरफ इजीली मूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल शदीद गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर अगर 50 है और रूम का टेम्परेचर अंदर का 20 है, इस तरीके से तो ब्रिक के अंदर से कंडक्शन हो जाती है। इस तरीके से आहिस्ता 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 हीट बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी और उसका टेम्परेचर भी 50 कर देगी, जिसके अंदर बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना। जो आजकल की लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, उस लेटेस्ट टेक्निक के अंदर जो वॉल्स बनती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको थिकनेस दिखा रहा हूँ वॉल की, तो इसके अंदर आमतौर पे होता है कि एक वॉल जो है उसका एक पीस इधर बनाया और एक पीस ये कंस्ट्रक्ट करवाया और इसके अंदर गैप होता है, गैप रखवा देते हैं। अब इस गैप के अंदर कोई फोम या प्लास्टिक मटेरियल बीच में से जब दीवार के अंदर लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर होता ये है कि अगर अंदर का रूम का टेम्परेचर लेट्स सपोज 20 है और बाहर का 50 है, तो हीट मतलब मूव तो करेगी लेकिन ये प्लास्टिक या फोम जो है इसको अंदर कमरे की तरफ जाने से रोक देता है। लिहाजा अंदर का टेम्परेचर 50 तो नहीं, चले 25 या 30 तक हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी हद तक रूम जो है वो कूल रहता है। और अगर 30 भी हो जाए और हमारी सर्वाइवल नहीं हो रही, तो फॉर एग्जांपल हम अगर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, तो एयर कंडीशनर जिस रूम में ऑलरेडी टेम्परेचर 30 होगा उसको कूल करते हुए बहुत कम कंजप्शन करेगा एनर्जी की, बिजली बहुत कम खर्च होगी। और जो रूम अंदर 50 टेम्परेचर पे पहुंच चुका है उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा एसी, और इससे बिल भी बहुत ज़्यादा मकदार में आ जाता है। तो हमें अगर हम इस तरह की मेजर्स नए बनने वाले घरों के अंदर इनको फॉलो करें, तो इससे ये एडवांटेज होगा कि हमारा बिजली का बिल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, और बिजली बचाना भी बेसिकली सेविंग ऑफ एनर्जी ही होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप में है कि सीलिंग ऑफ रूम इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल फॉल्स, उसको सीलिंग कहते हैं। तो फॉल्स सीलिंग में भी यही है कि अगर हम फॉर एग्जांपल घर का, जब हम ये घर इसका ये बनाने लगे हैं ब्रिक्स का, तो अगर इसकी दीवारें हों ये वाली, ये इसको इसकी वॉल्स जो हैं अगर हम इस तरीके की बना लेते हैं कि ये वॉल्स हैं, ये कमरे की जो है ना वॉल्स बना दी, उसके ऊपर जो कंक्रीट सीमेंट वगैरह का लेंटर डला है वो इस तरीके से ये लेंटर डाल गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सन रेज जो हैं वो अगर ऊपर से छत को लग रही हैं इस तरीके से, तो वो भी हीट जो है ना कंडक्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगी थ्रू लेंटर। और अगर बाहर से दीवारों को, जैसे कि दूसरे स्टेप में है, तो बाहर से भी हीट अंदर जाएगी, तो अगर अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो आपको एसी बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर
जो न्यू वे ऑफ टेक्नोलॉजी के जिसके तहत आजकल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उसमें ये होता है कि ये जो छत है इसके लेंटर के दरमियान भी एक प्लास्टिक और फोम शीट जो है ना लगती है, और अगर दूसरे पॉइंट के मुताबिक ये दीवारें जो हैं उनके अंदर भी प्लास्टिक और फोम लैगिंग अगर लग जाएगी, तो आप ये समझें कि ऊपर जितनी भी छत के ऊपर हीट मतलब सनलाइट की वजह से बढ़ रही है, साइडों से बढ़ रही है, तो वो उनका अंदर दाखला पॉसिबल नहीं है। तो बाहर आपका टेम्परेचर अगर शदीद गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन अंदर का टेम्परेचर आपका अगर 25 रहता है, तो अगर तो वैसे ही इसमें फैन लगाएंगे तो गुजारा हो जाएगा, और अगर एसी भी लगाएंगे तो जल्द कूलिंग कर देगा। तो ये एडवांटेजेस जो है ना इस तरह के जो स्टेप्स हैं उनके लेने से इंसान को होते हैं, और हमें साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हमें इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद इसमें हम चलते हैं कि ये सारे प्रोसेस के अंदर ये हमारा फोर्थ पॉइंट जो है, मैं अब उसकी बात करता हूँ। डबल ग्लेज विंडो पैनल्स आर यूज्ड, दीज विंडो पैन्स हैव एयर बिटवीन ग्लास शीट्स दैट प्रिवेंट गुड इंसुलेशन। एयर इज अ गुड इंसुलेटर, ये बात याद रखने वाली है कि एयर के अंदर से हीट कंडक्ट नहीं होती। तो ये एग्जाम्पल जो है, मैं इसके लिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन रशिया स्टडिंग, वहाँ पे तो हमारे हॉस्टल्स जो थे उन हॉस्टल्स के अंदर चूंकि रूम टेम्परेचर, तो उन्होंने हीटर वगैरह लगा के उसको मेंटेन किया हुआ था 20 पे। शदीद सर्दी के अंदर टेम्परेचर जो बाहर का होता था वो -20-25 तक चला जाता था। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो उनकी कंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर उन्होंने जो खिड़कियां लगाई हुई थी, उसकी विंडोज जो थी, वो इस तरीके से ये दो ग्लास शीट्स लगी हुई हैं, और इन दो ग्लास शीट्स को इस तरीके से उन्होंने मतलब साइडों से नीचे से ये ब्लॉक किया हुआ है। अब अगर आपका रूम टेम्परेचर बिलफर्ज, ये रूम की ये आउटसाइड विंडो है, अगर अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है जबकि आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस है, तो इट मींस कि अगर ये सिंगल शीट ग्लास की लगाकर खिड़की लगी होगी तो विद इन मिनट्स अंदर की हीट जो है ना वो बाहर जाना शुरू करेगी, और अंदर का टेम्परेचर भी -10 या -15 अगर गिर जाता है, तो इट मीन्स कि ना उस रूम के अंदर बंदा आराम कर सकता है और ना बंदा कोई स्टडी कर सकता है, बल्कि उसका जो है ना उसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का इसको मैनेज किया हुआ था उसमें ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डबल ग्लेज विंडोज़ की वजह से ये एडवांटेज मिलता था कि हीट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस जाहिर बात है ट्राई करती होगी, लेकिन इधर आके हीट जो है वो रूम की रुक जाती है क्योंकि एयर जो है वो इसको बाहर जाने ही नहीं देती, और यही वजह है कि वहाँ पे शदीद सर्दी यानी दिसंबर जनवरी बाहर आइस नज़र आती थी, हर तरफ जो है ना ठीक है जी बर्फबारी का सिलसिला होता था, और मतलब बहुत शदीद सर्दी, लेकिन हम कमरे के अंदर जो है ना हमने कभी जर्सी या जैकेट का इस्तेमाल भी नहीं किया था, जस्ट लाइक हम टी शर्ट वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो ये
बेसिकली वो स्टेप है कि डबल ग्लेज विंडो फैंस आर यूज्ड, दीज विंडो फैंस हैव एयर बिटवीन ग्लास शीट्स दैट प्रोवाइड गुड इंसुलेशन। टॉपिक जो हमने इसमें स्टार्ट किया था उसमें था व्हाट आर यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसमें जो उसका फर्स्ट पोर्शन था उसमें था हाउ टू सेव एनर्जी, उसके 4 स्टेप्स मैंने पढ़ाए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, इसका क्वेश्चन शार्ट में ये बन सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंडक्टर्स, और इसमें यह है कि गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू आ बॉडी। गुड ट्रांसफर ऑफ हीट का ये एग्जाम्पल दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे घर के अंदर खाना बनाने जा रहे हैं और हमारे पास एक बर्तन है। अगर ये आपके सामने बर्तन, डियर स्टूडेंट्स, ये बर्तन कंटेनर जो है जिसके अंदर आपने खाना बनाना है, अगर ये वुड का बना हो ये वुड का अगर आपके पास कंटेनर है तो इसका डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि अगर हम इसके नीचे चूल्हा वगैरह जलाकर इसको हीट अप करने की कोशिश करते हैं, ये फॉर एग्जांपल चूल्हा जल रहा है, तो उसका ये डिसएडवांटेज ये होगा कि ये तो चूल्हा जल रहा है, ठीक है जी, और ये जो है इंसुलेटर अगर होगा लकड़ी या इस तरीके की को मटेरियल ऐसा जिसमें से हीट अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं होती, तो अल्टीमेटली हमें भी ये प्रॉब्लम होगा कि इसके अंदर जो खाना बना रहे हैं हम गोश्त वगैरह या सब्जी वगैरह, तो उनको हीट उस तरीके से मिलेगी नहीं, लिहाजा वो अच्छे तरीके से पकेगी भी नहीं बल्कि कच्ची रह जाएगी। लेकिन हमें खाना बनाने के लिए क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट चाहिए कि चूल्हे के नीचे जो हीट है वो फौरन बर्तन में से गुजरकर जो चीज अंदर बन रही है उस तक पहुंचे। तो उसके लिए आम तौर पे हम जो कंटेनर इस्तेमाल करते हैं वो कंटेनर हम जो है ना वो मेटल का बना हुआ इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी खाने के लिए फॉर एग्जांपल ये जो कुकर वगैरह हैं, अगर आपके घरों में वो कुकर हैं तो वो जाहिर बात है कि मेटल के बने होते हैं, ठीक है जी, उसका बेनिफिट यही होता है कि उनके अंदर क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट भी होता है, खाना भी जल्दी बेहतरीन पक जाता है और इसमें हमारा जो गैस का बिल है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद हम जो है वन स्टेप फॉरवर्ड मूव करते हैं। 10 कुकर्स, कुकिंग प्लेट्स होती हैं, बॉयलर्स होते हैं, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर उसके अंदर पानी वगैरह बॉयल करना होता है नीचे आग वगैरह जला के तो उससे स्टीम बनाते हैं, रेडिएटर्स वगैरह होते हैं, कंडेंसर्स रेफ्रिजरेटर के अंदर लगे होते हैं, इनके अंदर क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट चाहिए होती है कि फटाफट हीट जो है ना एक साइड से दूसरी साइड पर चली जाए। तो उसके लिए हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, आर मेड ऑफ मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम और कॉपर। सिमिलरली मेटल बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग आइस एंड आइसक्रीम एटसेट्रा। ये आइसक्रीम एंड और आइस बनाने के लिए हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब भी रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर बर्फ बनाने के लिए किसी बर्तन के अंदर पानी भरकर उसके फ्रीजर में रखा जाता है तो वो जो कंटेनर रखा जाता है वो वाला प्लास्टिक का कभी नहीं हुआ। क्यों? कि अगर प्लास्टिक का होगा तो उसके अंदर बर्फ जल्दी से नहीं जमती, क्योंकि अगर उसके अंदर ये फॉर एग्जाम्पल पानी है उसके अंदर हीट तो बहुत ज्यादा है लेकिन हीट जो इसका फ्रीजर होता है उसने आउटसाइड खींचनी होती है इसमें से। तो अगर ये कंटेनर ही प्लास्टिक का होगा तो हीट इतनी तेजी से आउटसाइड जाएगी नहीं, और जब हीट नहीं जाएगी तो आइस भी नहीं जल्दी से बनेगी और ना ही आइसक्रीम बनती है। तो लिहाजा इस तरीके की जो है ना, चाहे आइस बनानी है चाहे आइसक्रीम बनानी है, तो उसके लिए जो भी फ्रीजर के अंदर आपने कंटेनर रखना है वो मेटल का होगा तो इससे वो काम बड़ी जल्दी से हो जाता है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब जो थर्ड पैराग्राफ है इसका, यूजेस ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, उसमें व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंसुलेटर्स के हवाले से जो टॉपिक दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स, एक ही बात होती है, आर यूज्ड इन होम यूटेंसिल्स, ये घर के बर्तन वगैरह जो होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है, सच एज हैंडल्स ऑफ सॉस पैंस, हॉट प्लेट्स, स्पून्स वगैरह जो है। अब इसी डायग्राम में देखें कि हमें ये सारा मटेरियल तो मेटल का चाहिए था, क्योंकि नीचे जो चूल्हा जल रहा है उससे हीट को कंडक्ट करवाना है क्विकली, तो ये तो मेटल होगा तो अंदर हीट पहुंचेगी तो खाना बन रहा है। लेकिन हमें चूंकि इस बर्तन को उठाकर मतलब जो है ना साइड पे भी करना पड़ जाता है, तो अगर ये वाला एरिया भी सारा मेटल का होगा तो जितना टेम्परेचर उस बर्तन का होगा उतना टेम्परेचर अगर हैंडल का भी होगा, तो इट मीन्स कि आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें बर्तन को तो मेटल का बनाना ही बनाना है ताकि इसके अंदर खाना हमारा क्विकली पके, लेकिन हमारे किचन के अंदर जो इस तरह के बर्तन होते हैं उनका ये हैंडल जो है ये प्लास्टिक, वुड या किसी ऐसे मटेरियल का बना होता है कि जिसमें हीट कंडक्शन बहुत स्लो और बहुत माइनर होती है। यही वजह है कि हीट सारी मिलती है लेकिन यहाँ पे जाके हीट जो है ना रुक जाती है, क्योंकि आगे प्लास्टिक का वो जो इसका हैंडल लगा हुआ है उसके अंदर हीट कंडक्ट ही नहीं होती। यही वजह है कि हम किसी भी बर्तन को जो खाना वगैरह पका रहे हैं उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना हो, प्रेशर कुकर होता है तो उसका वो एरिया जिसमें खाना पक रहा है वो तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ प्लास्टिक के हैंडल्स लगे होते हैं, आराम से आप प्लास्टिक के हैंडल से पकड़ के उस प्रेशर कुकर को या चाय बनाने वाला बर्तन है या फ्राइंग पैन है, आप उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं। इट मीन्स कि जितना हमें समटाइम्स हीट कंडक्ट करवाने के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, एट द सेम टाइम हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर हीट नहीं चाहिए वहाँ पर वो कंडक्ट भी ना हो। दे आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक, प्लास्टिक एयर इज वन ऑफ द बैड कंडक्टर। अच्छा, एयर के बारे में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जेन में आता है कि शायद एकदम से जब ठंडी हवा चलती है तो मतलब जो है ना उसका हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती जरूर है, लेकिन वो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। अगर बंद कमरे के अंदर या बंद दीवार कोई हो या कोई खिड़की हो उसके अंदर एयर जो ट्रैप हो जाती है, वो एयर चूंकि एक जगह से दूसरी जगह जाती ही नहीं तो लिहाजा कन्वेक्शन तो हो नहीं पाएगी, और जो ईट एक साइड से दूसरी साइड पे आना जाती है उसके लिए वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। तो चूंकि एयर बैड कंडक्टर जो है, बेस्ट इंसुलेटर भी उसको कह सकते हैं, दैट इज वाई कैविटी वॉल्स, दैट इज टू वॉल्स सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस आर डबल ग्लेज विंडोज, जिनका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, उस तरह के अंदर अगर एयर भी मौजूद होगी तो कीप द हाउसेज वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, ये दोनों जो सीजन्स शदीद हमारे पास होते हैं, गर्मियों में मतलब उसको शदीद गर्म नहीं होने देते और सर्दियों में शदीद सर्द कमरों को नहीं होने देते, जो इनका ये एडवांटेज होता है। मटेरियल्स विच ट्रैप एयर, जिसमें वूल हो गया, फेल्ट फर, फीदर्स, पॉलीस्टाइरीन फाइबर ग्लास आर आल्सो बैड कंडक्टर्स। इसमें जो ये मटेरियल्स है ना इनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। हमने अक्सर देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये मैं ट्राई करता हूँ एक चिड़िया बनाने की, ये चिड़िया शायद समझाने से ज्यादा आपको जो है ना हंसाने में ज्यादा किरदार अदा कर दे, लेकिन कोई मसला नहीं, ये फॉर एग्जाम्पल चिड़िया है। जब शदीद सर्दी का मौसम होता है तो इसके जितने भी फीदर्स वगैरह होते हैं वो उनको फैला लेती है। फैलाने का मतलब ये होता है कि अगर इसके वो फीदर जो है ना सारे वो फैला लेगी तो फैलाने के बाद क्या होगा कि एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आकर इनके फीदर्स के दरमियान में अटक जाते हैं, ये उधर आ जाते हैं, और इसकी वजह से
इनका बॉडी टेम्परेचर जो उस जो अंदर जिस्म के टेम्परेचर होता है वो फिर एयर की वजह से आउटसाइड शदीद सर्दी में नहीं जाता और ये इनकी सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम अक्सर जर्सी जो वगैरह पहनते हैं वूल की, तो हमारे जहन में ये होता है कि जी ये जर्सी के अंदर क्या क्वालिटी है, जी ये गर्म बहुत है। गर्म जो होना का मतलब ये नहीं है कि आप उस जर्सी के अंदर फॉर एग्जांपल अपना मोबाइल लपेट कर बाहर रख दें तो थोड़ी देर के बाद जाएं तो मोबाइल उसमें पिघल गया हो। जर्सी का काम जो है ना कि गर्म बड़ी ज्यादा है, ये आम लफज इस्तेमाल होता है साइंटिफिक पहलू के अंदर। जर्सी वूल की का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने जिसका बॉडी टेम्परेचर 37 है और अगर उसने ये जर्सी पहनी हुई है अपनी बॉडी के ऊपर, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि बाय टेम्परेचर अगर 5 भी है शदीद सर्दी में, तो हीट जो जिस्म के अंदर है वो आउटसाइड जाती है, बट दिस वूल स्वेटर प्रिवेंट द कंडक्शन ऑफ हीट टू आउटसाइड। और इस तरीके से चूंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हीट इतनी आसानी से आउटसाइड नहीं जा सकती, तो हम बड़ा इजी फील करते हैं सर्दियों में। लेकिन अगर जर्सी उतार दें तो फिर हमारी हीट जो है ना आउटसाइड जाना शुरू होती है, और जो ही हमारा टेम्परेचर 37 से फॉर एग्जाम्पल 35 या 34 होगा या 30 होगा, तो फिर हम कांपना शुरू कर देंगे, फौरन किसी आसरे की तलाश में होंगे क्योंकि हमें कुछ जैकेट, कुछ जर्सी, कुछ रजाई, कुछ ब्लैंकेट वगैरह जो है ना वो मिले। ब्लैंकेट्स भी हों उनका भी ये क्वालिटी है कि उसके अंदर भी उसका मटेरियल ऐसा होता है कि उसमें एयर ट्रैप हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और फिर बड़े पुरसकून तरीके से हम सर्दियों के अंदर सर्दी से बच सकते हैं। फंक्शन इनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि बॉडी टेम्परेचर को, बाहर शदीद सर्दी भी हो तो बॉडी टेम्परेचर को लूज नहीं होने देती इस तेजी से कि बंदा कांपना शुरू कर दे। तो ये इसका प्रोसेस है। सम ऑफ दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर लैगिंग टू इंसुलेट वाटर पाइप्स। इंसुलेट वाटर पाइप्स जो है ना, इसकी मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी आपको सिचुएशन सुनाता हूँ कि वहाँ पर जब मैं रशिया में ही था तो उस स्टेट के अंदर हुआ ये कि मैं मतलब जो है ना रोड के ऊपर जा रहा हूँ और मैंने देखा कि जो बड़े बड़े उनके वाटर पाइप्स थे, बहुत बड़े बड़े वाटर पाइप्स, तो वो आके मतलब सर्दियां शुरू होने से पहले जो उनके वाटर पाइप्स हैं, ये फॉर एग्जांपल ये वाटर पाइप है बहुत बड़ा, बाहर साइड पे रोड के साइड पे नजर आ रहा है और पता है कि ये पानी का पाइप है। तो मैंने इस पानी के पाइप को मैंने देखा कि अच्छा जी ये पानी के पाइप जनाब तो लगे ही हुए हैं, तो सर्दियों में उससे पहले आके लोग इनके ऊपर जो है इस पाइप के ऊपर इसकी साइडों पे सारे के ऊपर कॉटन या वूल या इस तरह का मटेरियल जो है ये आकर उन्होंने इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। ये सारा पाइप लेट्स सपोज जो है ना ये पाइप के ऊपर उन्होंने ये सारा वूल बाहर की साइड पे ये लगा रहे हैं जी सारा कुछ। तो आप हम समझे कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस फिजिक्स को नहीं जानता था तो मैं यही समझूंगा कि अजीब लोग हैं कि चलो इंसानों को तो लगती है सर्दी, वो तो जर्सी पहनेंगे उनको तो एडवांटेज हो जाएगा, तो ये पाइपों को, ये तो बेजान सी चीजें हैं, इनके ऊपर जर्सियां टाइप ऊपर मटेरियल क्यों लपेट रहे हैं? तो ये थोड़ा सा वहां पे बड़ा हैरान कन होता है। लेकिन जब उनका टेम्परेचर देखा हमने कि जब बाहर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो और अगर इस पाइप के ऊपर लैगिंग या इसकी कवरिंग अच्छे तरीके से ना हुई हो, तो आहिस्ता आहिस्ता
अंदर का टेम्परेचर लेट्स सपोज 30 पे जा रहा है, लेकिन हीट उसकी लॉस होते होते जब अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो पाइप के अंदर जो पानी है वो आइस बन जाएगा। और आइस सिर्फ ये नहीं होता कि पाइप को ब्लॉक ही पकड़ती है, पानी नहीं गुजरता, आइस एक्सपेंड भी होती है। और इतनी पावरफुल ये एक्सपेंशन शो करती है कि जब ये आइस बनती है तो ये एक्सपेंड हो जाती है, और जब एक्सपेंड होती है तो पाइप बर्स्ट हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, और उस तरीके से पाइप जो है ना टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। अगर उसकी एग्जांपल अक्सर देखा होगा कि अगर फुल पानी की भरी हुई बाटल को बंदा फ्रीजर में रख दे ना ऊपर से लॉक करके, तो जब वो आइस बनती है तो बाटल फट चुकी होती है। क्यों? कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो एक्सपेंशन होती है। तो बेसिकली वो पाइप्स को डैमेज होने से बचाने के लिए इसके ऊपर लैगिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद हॉट वाटर सिलेंडर्स, ओवंस, रेफ्रिजरेटर, वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ हाउसेस जो होती हैं, इन सब की लैगिंग होती है। फ्रिज की लैगिंग इसलिए नज़र नहीं आती कि फ्रिज की सिचुएशन जो है उसमें हमारे सामने, फॉर एग्जांपल ये फ्रिज की इंटरनल बॉडी में इधर शो करता हूँ ज़रा डिज़ाइन से, ये रेफ्रिजरेटर की इंटरनल बॉडी है, मेटल की प्लास्टिक की, अंदर प्लास्टिक नज़र आता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है अंदर एक मखसूस किस्म की लैगिंग भी होती है, ये कवर जो होता है ना ये होता है, और उसके ऊपर जो फॉर एग्जांपल ये आगे मेटल का ऊपर कवर है। हम सिर्फ येलो पीस को देखते हैं, हमें येलो लगता है कि मेटल की बनी हुई है। उस मेटल के तोड़ के जब पुरानी फ्रिजों को अक्सर वो जब जाते हैं ना शॉप के ऊपर ये फ्रिज वगैरह सही करवाने के लिए, तो अगर उनके ऊपर की मेटल खराब हुई हो तो नीचे से फोम वगैरह की मोटी तह नजर आती है, और बेसिकली वो कंडक्शन से ही बचाने के लिए होता है कि जितनी हीट रेफ्रिजरेटर अंदर से उठाकर बाहर फेंकता है, अगर कंडक्शन का प्रोसेस वो उन्होंने हैंडल ना किया हो तो वापस हीट उधर से आती चली जाएगी, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड वेल, और उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी, और आपने इस टॉपिक को जो है ना सबसे पहले इसको याद करना है, फिर इसको फिजिक्स की नोटबुक के ऊपर जुबानी लिखना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और ये लेक्चर जो है ना ये जैसे स्कूल का लेक्चर है उस तरीके से आपने इसको मुकम्मल देखना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।